तो अभी देखिए माँ गाजर धो रहे हैं, क्योंकि गाजर हम लोग कल लिए थे ना, उला ज्यादा चमकदार चमक नहीं रहा था, तो इसको रगड़ के छिलका हल्का छुड़ाना पड़ा है ताकि चमकेगा, लाइट आएगा, देख सकते इस तरह से धोने के बाद दिखता है। तो आज हम लोग जो है 2120 रुपया पूंजी लगाए थे दोस्तों, उसमें जो है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विकास सब्जी वाला आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों सुबह हो चुकी है और आप देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा है इधर बाड़ी तरफ का, हम लोग का घर का पीछे तरफ का दृश्य है दोस्तों ये वाला। इधर देखिए कितना पौधा उधा लगा है दोस्तों, केला का पौधा है, पपीता का पौधा है दोस्तों, और इधर देखिए अमरूद का पौधा है दोस्तों, और इधर देखिए ये बैर का पौधा है दोस्तों, कितना मस्त सीन है दोस्तों। इधर बाड़ी था दोस्तों, जो गाजर बेच चुके हैं जिनका था उन लोग। तो फिलहाल दोस्तों चलिए चलते हैं बाजार की ओर में, और आज देखते हैं हम लोग का बाजार कैसा रहता है, दिन कैसा रहता है, और आज कितने रुपए का खरीद पाते हैं, और उनको सारा सब्जियां बेचने के बाद हम लोग का आज कितना प्रॉफिट होता है, सारा कुछ बताएंगे दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों घर आ चुके हैं और देखिए माँ बना रहे हैं खाना, माँ तो माँ खाना वाना बना के आइएगा, है ना, हम बाजार जा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बाजार की ओर चलते हैं। फिलहाल देखिए हम लोग का गली है ये, इधर बकरी है दोस्तों। चलो गुड मॉर्निंग। देखिए फुआ क्या बना रहे, फुआ सूटी सहजन, तो देख सकते हैं दोस्तों फुआ सहजन बना रहे हैं ना फुआ। और ये रहा दोस्तों हम लोग का घर, ऐसा इस पर कुछ इस प्रकार है, नहीं जा रहे हैं आज। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना बस्ती निकल चुके हैं, हम देख सकते हैं। और ये रहा हम लोग का गांव दोस्तों, बाजार पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार बाजार का कुछ इस प्रकार है, ऊपर तरफ बाजार लगती है और नीचे तरफ दुकान लगता है इधर, और उधर बाजार लगती है। चलिए फटाफट अपना दुकान खोल लेते हैं। We'll be right back.
दोस्तों अपना दुकान हम लोग लगा चुके हैं और कल का हम लोग का सब्जी बचा हुआ है, देखिए बीन्स बचा हुआ है और खीरा बचा हुआ है, मिर्चा बाकी गाजर भी बचा हुआ है दोस्तों कम अपन, और आज तरबूज नहीं है दोस्तों क्योंकि रमजान शुरू हो गई है तो तरबूज बिकेगी खीरा बिकेगी इसीलिए कम अपन। देखिए बाजार आज कैसा रहता है, तो चले दोस्तों फिलहाल मंडी की ओर चलते हैं, गोला मंडी की ओर, और कुछ कुछ सब्जियाँ लेते हैं। दोस्तों करेला ले लिए हैं 32 रुपये किलो, भैया करेला लीजिएगा, करेला एक नंबर है, देख लो देखो करेला मस्त है कलर में है तो, और देखिए भैया ले रहे हैं, तो भैया थोड़ा पकड़ दीजिए तो कैरेट मेरा थोड़ा पकड़ के उतार दीजिए, धन्यवाद भैया। हाँ दोस्तों फटाफट हम लोग करेला लगाते हैं, दोस्तों सारा सामान हम लोग खरीद चुके हैं और माँ भी घर से आ चुके हैं और देख सकते हैं आज खरीदे हैं धनिया टमाटर रौदास है और भिंडी मात्र 3 किलो खरीदे हैं और करेला खरीदे हैं 25-30 किलो होगा करेला और बाकी बीन्स भी कल का है, खीरा भी कल का है और मिर्चा भी कल का ही है। तो आज जो लगभग हम लोग कितना 2120 रुपये का सब्जी खरीदे हैं, यानी कि 2120 रुपीज़ का सब्जी खरीदे और आज हम लोग का स्पेशल जो है ये है दोस्तों तरबूज, आज हम लोग का टारगेट है तरबूज बेचने का, देखते हैं 20 रुपये किलो बेच पाते हैं कि नहीं का तरबूज, तो चलिए दोस्तों बेचना शुरू करते हैं, कुछ देर में हम लोग का अपना सारा सामान उठा के दूसरा जगह ले जाना पड़ेगा, सुबह हम लोग कैरेट में लगाते हैं और बाद में हम लोग ले जाते हैं उधर जमीन में रख के बेचते हैं, तो चलिए दोस्तों बेचना शुरू करते हैं फटाफट। टमाटर टमाटर लीजिए 10-15 किलो, आइए आइए खीरा लीजिए 1 किलो 15, तरबूज लीजिए 20 रुपये किलो ताज़ा तरबूज है, आइए आइए टमाटर लीजिए 10 रुपये में 1.25 किलो, टमाटर लीजिए 10 रुपये में 1.25 किलो, 10 रुपये में 1.25 किलो, अंकल आंटी आइए आइए टमाटर लीजिए 10 रुपये में 1.25 किलो, तरबूज लीजिए 20 रुपये किलो 20 रुपये किलो 20 रुपये किलो 20 रुपये किलो, आइए आइए करेला लीजिए। तो अभी देखिए माँ गाजर धो रहे हैं क्योंकि गाजर हम लोग कल लिए थे तो उला ज़्यादा चमकदार चमक नहीं रहा, तो इसको रगड़ के छिलका हल्का छोड़ाना पड़ा है ताकि चमकेगा लाइट आएगा, देख सकते हैं इस तरह से धोने के बाद दिखता है। चलिए बेचना शुरू कर, गाजर ले रहा 10 रुपये किलो 10 रुपये किलो 10 रुपये किलो, प्याज 20 रुपये 2 किलो 35 नासिक, गाजर लिए 10 रुपये किलो 10 रुपये किलो, तरबूज कैसे बेचे वो 20-25 20 रुपये किलो, तरबूज लीजिए गर्मी का दिन आ गया है अब नमक डाल के खाइए एकदम, दोस्तों शाम का 8 बज चुका है काम और हम लोग का सारा सब्जी आज भी देखिए बच चुका है, चलिए फटाफट हम लोग भरते हैं और घर चलते हैं, देखते हैं भी कितना फायदा पानी हुआ है काम और आज भी हम लोग का नहीं बिका है सब्जी, देख सकते हैं टमाटर भी बच गया है, गाजर भी बच गया है पूरा, और वो साफ हो गया बाकी वाला वो भी डाल दीजिए, दोस्तों हम लोग अपना बचा हुआ सब्जी बांध चुके हैं, अब देख सकते हैं तिरपाल से अच्छा से बांध दिए हैं, माँ चलिए घर, चलिए दोस्तों घर में मिलते हैं फटाफट।
दोस्तों हम लोग बाजार से आ चुके हैं और खाना वाना भी खा लिए और 9 बज चुका है हमारा रात का, और हम लोग सबको पैसा गिन रहे हैं, माँ बेटा पिता मिलके, और आज हम लोग जो है 1450 अभी तक हुआ, माँ भी गिन रहे हैं। तो आज हम लोग जो है 2120 रुपया पूंजी लगाए थे दोस्तों, उसमें जो है 15 किलो जैसा वाटरमेलन बच गया होगा तरबूज, और 15-16 किलो जैसा बच गया होगा टमाटर, और गाजर बच गया ना 20-25 किलो का ना, है ना 20-25 किलो जैसा गाजर बच गया होगा दोस्तों। 6 रुपये लिया गाजर, 10 बेच रहे थे, और तरबूज में बोल सकते थोड़ा फायदा हो रहा है क्योंकि तरबूज लिए थे 12 और 20 बेच रहे थे का मां, उसमें भी 100-150 ग्राम का पैसा, 100-150 ग्राम का पैसा नहीं मिलता था का, फिर भी 5 रुपया बचता होगा दोस्तों, है ना। तो 50 किलो तरबूज था दोस्तों, और अभी रमजान भी कल से शुरू होने वाला है का मां, तो अभी नींबू तरबूज खीरा ये सब बिकेगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों फटाफट गिन लेते हैं और आप लोगों को बताता हूँ आज हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ है। 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 दोस्तों हम लोग पैसा गिन चुके हैं काम, और आज हम लोग का 2450 रुपया हुआ है दोस्तों, 2120 रुपया लगाए थे और काम, और ज्यादा फायदा होता का, लेकिन सब्जी बच गया है थोड़ा भी बाजार, और अभी थोड़ा सा बाजार मंदी चल रहा है ना माँ, तो वही दोस्तों आज 250 से लेके 300 के बीच में आज हम लोग का फायदा हुआ है काम, और होता फायदा लेकिन थोड़ा सा सब्जी बच गया है दोस्तों काम, और हम लोग बिक भी नहीं करता, और हम लोग का देखिए पैसा रखने वाला झोला फट गया है, सी रहे ना माँ, सिक्का सब गिर जाएगा इसलिए ना माँ सी दीजिए। तो चलिए दोस्तों 9:30 भी बज गया है, सोना भी है हम लोग का काम, जल्दी उठना है सुबह में का। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप नए होंगे दोस्तों चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जोहार झारखंड दोस्तों।